कैसा विक्ट्री दिखा दो, विक्ट्री कर दो और क्या, सही बात है। कर दो विक्ट्री तो जब जीत के जाओगे। अरे तो अभी से तैयारी तो करो। आज हम यहाँ पे किसान क्रांति गेट गाजी, हम ऊपर की साइड में आए और यहाँ का जो आप नजारा देखोगे, ये किस तरह से टेंट लग रहे, जो आखिरी टेंट है, रंग बिरंगे नीले पीले लाल, ये बहुत बेहतरीन सीनरी यहाँ से दिखाई आपको देगी। हम भी यहाँ बहुत दिन बाद में ऊपर की साइड में यहाँ पे आए, यहाँ से तो जो खूबसूरत जो एक नज़ारा देखने को भी लगा, और ऐसी गलियाँ पर नहीं है जैसे आप मसूरी और उसमें शिमला में आप चले जाते हो, पूरे बाजार यहाँ पे आपको देखोगे, पूरी मार्केट यहाँ पे लगी हुई आपको दिखाई देगी। ये जो टेंट है ये एक बड़ी वो है ऊपर ले वाले की, जो है ना जो नीली छत वाला, उसने कहा कि तेरे पास में वहाँ 4 मंजिल का मकान है, 10 मंजिल का है, तेरे पास में कितनी जमीन है, कम है या बड़ी है, तुझे एक ही छत मिलेगी और वो छत मिलेगी पन्नी की, बांस की, लकड़ी की। तो यहाँ सब छोटा बड़ा किसान, छोटा हो बड़ा हो, व्यापारी हो दुकानदार हो आम आदमी हो, वो सब इसी टेंट में रहता है। यहाँ पे इनमें यहाँ से लगा कर वहाँ तक 3 किलोमीटर लंबा, ये यहाँ पे 4 लाइन के जो 4 लाइन के हाईवे हैं, इस पर ऊपर नीचे 4 सड़कें यहाँ पे है इस टाइम पे, इस पर पूरे टेंट यहाँ पे लग रहे हैं। और इसके अगली तरफ भी अगर आप देखोगे, आगे दिल्ली का बॉर्डर लगता है वहाँ पे, और कटिल्ले तार पूरा दिल्ली में वे सरकारों ने लगा रखे हैं। यहाँ पे लोग उस हिसाब से आपको रूटीन बनाना पड़ेगा हमको, कि रूटीन के हिसाब से लोग आते रहें, अपने गांव की व्यवस्था बनावे, कि जो लोग किसान यहाँ पर आएगा उसके खेत का काम कौन करेगा, इस रूटीन के सिस्टम के हिसाब से हमको आना पड़ेगा अब यहाँ पे, क्योंकि आने वाले टाइम पर फसलों की कटाई भी आएगी, काम भी आएगा। तो जो लोग यहाँ पे 8 दिन के लिए 5 दिन के लिए आएगा, उनके घर का काम भी ना छूटे, इस तरह की व्यवस्थाएँ सब लोग यहाँ पर बनावें। और अभी मध्य प्रदेश में कटाई शुरू हो जाएगी 10-15 दिन बाद में, और इधर जो हमारे यहाँ पे हैं करीब 20 अप्रैल के बाद में शुरू होगी। तो एक रूटीन पूरे उसका बन जाएगा कि आगरा और वहाँ के लोग उस टाइम पर रहेंगे जब अप्रैल में यहाँ की कटाई होगी, तो उस तरफ से संख्या बढ़ेगी। तो ये रूटीन वर्क 2 महीने का हमको आज से ही पूर्ण रूप से तैयार करना पड़ेगा। भारत सरकार अभी बातचीत नहीं कर रही, तो हम भी एक दिन यहाँ पर रहते हैं, एक दिन बाहर रहते हैं, एक दिन यहाँ रहते हैं, एक दिन बाहर। अभी 3 मीटिंग और हरियाणा में अभी होगी, 4 मीटिंग, और 4 मीटिंग के बाद में राजस्थान में बड़ी बड़ी मीटिंगें हैं, महाराष्ट्र में मीटिंगें हमारी रहेगी, और मध्य प्रदेश वहाँ पर मीटिंगें रहेगी, जो भी 40-19 में यहाँ पर रहेंगे। तो इसी तरह से एक दिन बाहर एक दिन यहाँ पर रहेंगे, और ये मोर्चे पूर्ण रूप से मजबूती से चल रहे हैं। बहुत लोग हमारी फेसबुक आईडी फर्जी तरीके की बना रखी हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकारों का काम होता है कि आंदोलन को तोड़ने का काम करा जाए। बहुत लोग कहेंगे कि संख्या यहाँ पर कम होगी, यहाँ कोई संख्या कम नहीं है, कोई दिक्कत मानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग यहाँ पर हैं। अभी जहाँ पर पंचायत होगी वहाँ पर कल या परसों से सेट डलना शुरू हो जाएगा, जो छाया जिसके नीचे रहेगी। अभी दिन में थोड़ी सी गर्मी दिन में रहती है, वहाँ पे लोग बैठने में जो पंचायत होती है सुनने में थोड़ी दिक्कत है, तो 2 दिन में व्यवस्था हो जाएगी। अभी ज़्यादातर लोग टेंट में रहते हैं और वहाँ पे भी लोग रहते हैं, दिन में घूमते कम है। अब शाम के टाइम तो पूरा यहाँ पर मन लगता है, लोग घूमते हैं, इंजॉय पूरा लोग ये कर रहे हैं। और हालात ये हैं कि सरकार जब तक बात नहीं करेगी, बिलों पे बातचीत नहीं करेगी, 3 बिल वापसी नहीं होगी, MSP एक बड़ा सवाल है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसका एक बड़ा सवाल है, गन्ने का इशू है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट डिक्लेयर नहीं हुआ, क्या मुख्यमंत्री मायावती से कमज़ोर हैं, उन्हें 80 रुपये रेट बढ़ाया 2 साल, क्या अखिलेश यादव से कमज़ोर हैं, उन्हें 40 रुपये रेट बढ़ाया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी गन्ने का रेट बढ़ाना चाहिए था, और हमको उम्मीद थी कि 50 रुपये गन्ने का रेट होगा, लेकिन नहीं हुआ। इसके लिए भी हम सब लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। हमारा करीब 12,000 करोड़ रुपया अभी भी शुगर फैक्ट्री का बकाया है, तो ये आंदोलन उसका भी है, गन्ने का किसान का आंदोलन भी है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो कपास के किसान का आंदोलन होगा,
कर्नाटक में जाएंगे तो गन्ना और नारियल के किसान का आंदोलन होगा। हम जहाँ पे भी जिस स्टेट में जा रहे हैं वहाँ की फसलों का यह आंदोलन है, यह आंदोलन है देश के किसान का आंदोलन है, किसी जाति का आंदोलन नहीं है, किसी धर्म का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन जब सरकारों से बातचीत होगी तो पूरे देश के किसानों के मसलों पर बातचीत होगी। इन्हीं बिलों के अंदर सारी चीज़ छुपी हुई है। आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ से हजारों ट्रक धान सस्ते में खरीद के हरियाणा और पंजाब की तरफ जाता है। जो वहाँ के सेलर्स हैं वे सस्ते में धान को लेते हैं, जो व्यापारी है लूट मचा रखी है पूर्ण रूप से। हमको ये आंदोलन जब तक जारी रखना पड़ेगा जब तक MSP पर कानून नहीं बने, ये बिल वापसी नहीं होए। आप एक नज़र अपने खेत पर रखें और दूसरी नज़र दिल्ली के आंदोलन पर रखें। आज भी कई लाख आदमी दिल्ली के चारों तरफ को हैं। मीडिया में बहुत खबरें जाएंगी कि आंदोलन से लोग घट गए, क्योंकि एक ये प्रोपगंडा उनका है। तो इनसे घबराने की हताश होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग वापसी जा रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं आंदोलन में। तो आप अपना आंदोलन में आते जाते रहें, इस पर नज़र रखें। इसी के साथ में आपका धन्यवाद। किसान क्रांति गेट से राकेश टिकैत, गाजीपुर UP दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।